आज मैं बहुत ही अच्छा सा यूनिक सा रेसिपी लेकर आई हूँ, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह से मैं आज बनाई हूँ आप लोग के सामने, जरूर आप लोग ट्राई कीजिए। पनीर पनीर कोफ्ता का रेसिपी है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी बनाइए। और आज का ये मैं स्पेशल डिश है। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आप लोग के सामने में पनीर कोफ्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों। तो इसका इंग्रेडिएंट इस प्रकार से है, मैंने 3 ठो बड़ा साइज का आलू को बॉयल करके कद्दूकस कर ली हूँ। और ये 150-200 ग्राम जितना पनीर होगा उसको भी मैं कद्दूकस कर ली हूँ। और ये कस्तूरी मेथी है, ये कोफ्ता में डालने के लिए थोड़ा सा बारीक प्याज काट ली हूँ, लहसुन काट ली हूँ, 3-4 ठो प्याज है छोटा वाला, लहसुन है 1 ठो साबुत, हरा मिर्च 2 ठो है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है इसको भी मैं बारीक से काट ली हूँ। ये 2-3 चमचा बेसन है आपको, ये नमक है, ये तड़का के लिए हींग है और जीरा है और तेजपत्ता है। और ये ग्रेवी के लिए है 4 ठो प्याज है, 3 ठो टमाटर है, 1 ठो साबुत लहसुन है और 3 ठो हरा मिर्च है और अदरक 1 इंच है। और ये घर का बेसिक मसाला है और ये फ्राई करने के लिए तेल है। तो अब मैं चलती हूँ, की तरह चल रही हूँ, 1 ठो मिक्सिंग बाउल ले ली हूँ और इसमें ये ग्रेटेड पनीर है उसको मैं डाल देती हूँ। ये बॉयल किया हुआ आलू उसको भी मैं डाल लेती हूँ। ये प्याज है, अदरक, हरा मिर्च और लहसुन सभी को मैं डाल लेती हूँ। मैं बेसन डाल देती हूँ, जितना आप लोगों को बाइंडिंग हो उस हिसाब से आप बेसन डालेगा। यहाँ पर अभी मैं 2 चम्मच जितना बेसन डाल दी हूँ। थोड़ा सा मैं नमक, कोफ्ता में थोड़ा मिठाई अच्छा होता है तो मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। आप लोग अपना हिसाब से स्वाद के अनुसार नमक ले लीजिएगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर गरम मसाला का पाउडर डाल देती हूँ, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देती हूँ और सभी को मैं मिक्स करती हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिला रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें कोफ्ता में अजवाइन का भी फ्लेवर अच्छा होता है तो मैं थोड़ा सा अजवाइन भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैं चिली फ्लेक्स भी डाल देती हूँ। तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा हाथ में तेल लगा करके सारे बॉल को मैं बना लेती हूँ। तो फिर मैं अगला स्टेप की तरफ चलूँगी। इस तरह से मैं देख सकते हैं सारे बॉल को बना लेती हूँ। तो मैं किचन में अगला स्टेप पर चलूँगी। इस तरह से मैंने सारे को बॉल बना ली हूँ और मैं गैस की तरफ चल रही हूँ। मैं गैस जला दी हूँ और उस पर मैं पैन डाल दी हूँ और मैं इसमें तेल डाल देती हूँ फ्राई करने के लिए। तब तक मैं मिक्सर की तरफ चल रही हूँ, प्याज अदरक लहसुन सबको मैं पीस लेती हूँ। जितना आएगा इसमें उतना मैं डाल दूँगी, थोड़ा अलग करके ही डालिएगा और सबको मैं फ्राई करके निकालूँगी। तो कितना सुंदर से देख सकते हैं फ्राई हो चुका है, इसी तरह से लाल लाल करके सारे को मैं निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे को फ्राई करके निकाल ली हूँ। अब मैं इसमें तड़का लगाती हूँ, ये तेजपत्ता है और जीरा है उसको मैं डाल लेती हूँ। थोड़ा सा मैं हींग डालूँगी, हींग डालने के बाद ये टमाटर प्याज का जो मैं पेस्ट बनाई हूँ सो मैं डाल दूँगी। यहाँ पर मैं हल्दी डाल रही हूँ 1 चम्मच जितना, और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, कोफ्ता थोड़ा मिठाई अच्छा होता है, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ 1/6 चम्मच से 1 चम्मच। और ये थोड़ा सा कस्तूरी मेथी है इसको भी मैं हाथ से क्रश करके डाल दूँ, थोड़ा सा इसको भी मैं भून लूँगी। भूनने से इसका फ्लेवर निखर कर आता है,
यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक मैं डाल देती हूँ, आप लोग अपना अकॉर्डिंग नमक डालिएगा, थोड़ा कोफ्ता मिठाई अच्छा रहता है, इस बारा में भी नमक पड़ा है तो थोड़ा अपना हिसाब से नमक भी डाल लीजिएगा आप लोग। तेल छोड़ा है, मसाला भुना चुका है, 7-8 मिनट करीब मैं मसाला भूनी हूँ, मैं पानी डालूँगी। इधर मैं मिक्सर को धो करके बाउल में डाल ली हूँ, देख सकते हैं तेल छोड़ दिया है, मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। तो अब इतना मैं डाल दी हूँ, और थोड़ा जब खोल जाएगा तब मैं बारा डालने के बाद गरम मसाला डाल करके बंद करके फिर दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं ये खोल चुका है, तेल भी छोड़ दिया, अब मैं इस स्टेज पर बारा को डाल देती हूँ, और बारा डालने के बाद तुरंत गैस बंद कर दिया, 1-2 मिनट में ही बंद कर दीजिएगा। तो बारा भी खोल रहा है, अब मैं इसमें गरम मसाला डाल देती हूँ, और गरम मसाला डालने के बाद मैं गैस को बंद कर देती हूँ। दोस्तों मेरा ये पनीर कोफ्ता का रेसिपी बन करके रेडी है दोस्तों, मैं सर्व कर दूँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा बना है दोस्तों, आप लोग भी बनाइए इस तरह से पनीर कोफ्ता का रेसिपी, बनाने में कोई खास झंझट नहीं है, बहुत ही अच्छा होता है खाने में, तो आप लोग ज़रूर बनाइए। मैं एकदम सिंपल से बनाती हूँ, जब भी मैं बताती हूँ जो घर का जो इंग्रेडिएंट है उसी से मैं बताती हूँ, जो चीज़ होता है एकदम हल्का तरीका से मैं सिखाती हूँ, कि जो भी जहाँ हो जैसे भी आप लोग बना सकते हैं। तो मेरा भी अच्छा बना है, बहुत ही यूनिक डिश है, आप लोग बनाइए, और मेरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और अगले रेसिपी में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए